हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो हमने एक इंट्रोडक्शन दिस चैप्टर का पढ़ लिया था, है ना। अब हम जरा थोड़ा डिटेल में आते हैं पंचायती राज सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर इस पंचायती राज सिस्टम का। तो वो कह रहे हैं द थ्री टीयर सिस्टम कंपेरिज द फॉलोइंग। यानी ये तीन टीयर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। यानी इसमें तीन टीयर सिस्टम, यानी तीन लेवल्स हैं बेसिकली। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। ग्राम पंचायत कहाँ पर होगी, गांव में, विलेज में। पंचायत समिति कहाँ बैठेगी, ब्लॉक लेवल में, ठीक है। यानी डिस्ट्रिक्ट और विलेज के जो बीच का जो एरिया होगा उसमें, और एज अ होल डिस्ट्रिक्ट में कौन क्या होगी, जिला परिषद। एनी एडिशनल न्याय पंचायत हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर एवरी थ्री और फोर विलेज पंचायत। और एक इसके साथ में, इन तीनों के साथ में एक और न्याय पंचायत और होगी, एज अ कोर्ट की तरह, एज अ कोर्ट, है ना। दो सेकंड में मैं गेट ऑफ गेट क्लोज कर दूँ। है ना। और वो न्याय पंचायत ऐसा नहीं होगी कि हर गांव की एक अलग होगी, हर ब्लॉक की अलग होगी, डिस्ट्रिक्ट की अलग होगी, नहीं। तीन चार गांव के मिलाकर एक न्याय पंचायत होगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज में से, तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो कह रहे हैं आप कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन, कोई भी कैंडिडेट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है किसी भी लोकल बॉडीज में, सब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इंक्लूड होता है, क्योंकि शहरों में भी बात चले, शहरों में भी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वहाँ पर भी। तो उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला, एट लीस्ट 21 ईयर्स का होना चाहिए। एट लीस्ट 21 ईयर्स का होना चाहिए, 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंडियन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में जो लीडर तो पार्टिसिपेट कर रहा है पर आज तक कभी किसी और लीडर को वोट ही ना दिया हो, तो एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए उसे। इनके सब पंचायत मेंबर ऑफ ग्राम सभा है ना, इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है अपने एरिया के। सही हो, ठीक है। और ना ही किसी लॉ से डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको लीडर नहीं बना सकते, है ना। और ना ही इंसॉल्वेंट होना चाहिए। इंसॉल्वेंट मतलब क्या, इंसॉल्वेंट मतलब क्या, इंसॉल्वेंट मतलब क्या, आपको बताऊं। कभी कभी किसी को इतना लोन हो जाता है, इतना कर्जा हो जाता है, इतना डेट हो जाता है, कभी कभी हम इतना पैसा उधार ले लेते हैं कि हम अब उसको रीपे करने की कंडीशन में नहीं होते, हम उसको रीपे करने की कंडीशन में नहीं होते। हम अपने पैसे ले तो ले उधार लोगों, हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसको वापस दे पाए। क्यों, क्योंकि तो हमने लिया था, हमने खर्च कर दिया किसी ना किसी फालतू की चीज़ों में, ठीक है, वापस तो देने हैं किसी सबों को, लेकिन हमारी कंडीशन अब है ही नहीं कि हम दे पाए। हमारा बिजनेस भी कोई इतना अच्छा खासा है नहीं कि हम दे पाए कमा कर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, अब लोगों को तो अपना पैसा लेने लेना है, अब उन्हें क्या मतलब सामने वाले इंसान की कंडीशन कैसे कैसे है, उनको तो अपना पैसा चाहिए ना। तो वो लोग कभी कभी टिट फॉर टैट, वो क्या कहते हैं, कुछ भी गलत तरीके अपना लेते हैं। गलत तरीके, गुंडे भेज देना वसूली करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए गुंडे भेज देते हैं। कोई डराता है, कोई धमकाता है, ठीक है,
गवर्नमेंट ये चीज़ देखता है कि हाँ अगर किसी उधार इंसान ने उधार पैसा लिया, उधार देने की सोचे तो एक तो वो खुद परेशान है ही है, बाद में फिर जिन लोगों से उसने पैसा लिया है वो लोग और उसको डरा धमका सकते हैं, वो लोग और उसको परेशान करेंगे। तो इस डरने धमके से बचाने के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम लेके आई लोगों को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करने का। इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करने का मतलब है उसको एक स्टेटस मिल जाए कि एक गरीब इंसान है, इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको पूरे इंडिया में गरीब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट मतलब गरीब एक तरह से, कि बस इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप अगर किसी ने इसको पहले कुछ दे रखा है तब उससे मांगने का और इसको मांगने के लिए लाइब वो एलिजिबल नहीं है, आपको इससे पैसा मांग भी नहीं सकता, आपको इससे पैसा मांग भी नहीं सकता। हाँ इस इंसान की जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो सारी कोर्ट बेच देगी, और जो इस इंस्टॉलमेंट इंसान की प्रॉपर्टी के उसके लिए पैसा आएगा जिन लोगों ने उधार दिया था उन लोगों को एक सर्टेन प्रपोर्शन में वापस कर दिया जाएगा, उन लोगों को सर्टेन प्रपोर्शन में वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लीडर बन रहा है वो कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा गरीब इंसान ना होना चाहिए जिसको कोर्ट ने है ना कर दिया हुआ है ना। फंक्शन पढ़ेंगे अभी, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट। ऐसा नहीं हो कि वो पब्लिक वो गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करता हो, क्यों? सपोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो प्रॉफिट के लिए काम करता है तो वो कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा पाएगा और अपने लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं लड़ पाएगा गवर्नमेंट से, क्योंकि एक लालच रहेगा। सपोज अपने लोगों के बेनिफिट के लिए, अपने लोगों के बेनिफिट के लिए, अपने गाँव के लोगों के बेनिफिट के लिए उससे गवर्नमेंट से लड़ना है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को आवाज़ नहीं उठाएगा इस डर से कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, तो कहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोग उसकी एलिजिबिलिटी। दूसरा टर्म, कितने टाइम के लिए कौन बनेगा, कितने टाइम के लिए बनेगा ये तो बताओ। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट एक्ट कहता है, उसके पार्ट 9 ए में लिखा हुआ है रिलेटिंग टू म्यूनसिपैलिटीज प्रोवाइड फॉर अमंग अदर थिंग्स यूनिफॉर्म एंड फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स आप 5 साल के लिए बन पाओगे, चाहे आप रूरल में बनो चाहे आप अर्बन लोकल बॉडी में बनो, ठीक है, 5 साल के लिए बनते हो। ठीक है, ये तो बात हुई थी अभी तक इलेक्शंस की। ठीक है, अब आते हैं पहला जो हमारा लेवल है ग्राम पंचायत, विलेज लेवल ग्राम पंचायत। द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं ना, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनको ग्राम सभा में सभा से इलेक्ट किया जाएगा, यानी ग्राम सभा एक मीटिंग होती है इन लोगों की, उस मीटिंग में इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है। इन एलाय एलाय ग्राम सभा जो होती है फंक्शंस एज जनरल बॉडी ऑफ ग्राम पंचायत, तो वह एज जनरल बॉडी सर्व करती है ऑल एडल्ट मैन एंड वुमेन, यानी जो भी 18 ईयर्स से बड़े हैं वो सारे हैं इन विलेज रजिस्टर्ड एज वोटर्स, और जो रजिस्टर्ड हैं यानी सारे एडल्ट जो कि रजिस्टर्ड हैं एज अ वोटर वो सारे उस ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, वो सारे उस ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। यानी सर ग्राम सभा का मेंबर बनने का क्या क्राइटेरिया है, ग्राम सभा का आप एडल्ट हो और रजिस्टर्ड वोटर हो। ठीक है, कंपोजिशन सर कौन होते हैं ग्राम पंचायत में, एक सरपंच पहला, तो ही इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। सर सरपंच कौन होते हैं, हेड ऑफ पंचायत। इन सम स्टेट्स अ सरपंच सेलेक्टेड डायरेक्टली एंड इन अदर्स इनडायरेक्टली और मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत को करें। किसी किसी स्टेट में तो ऐसा होता है कि सरपंच को सीधा इलेक्ट किया जाता है, कहीं कहीं मतलब इलेक्शन पूरी प्रोसेस होती है, कहीं कहीं इनडायरेक्टली यानी मेंबर्स की वजह से रजामंदी से हो जाता है। ठीक है, फिर एक वाइस सरपंच भी होता है, फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर इज ऑल्सो इलेक्टेड अमंग इट्स ओन मेंबर, यानी इसको भी इलेक्ट किया जाता है, इसको भी इलेक्ट किया जाता है। दूसरा मेंबर सब मेंबर तो होंगे, सर मेंबर तो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पंचायत, अब पंचायत में कितने मेंबर हों उनकी कोई लिमिट है, इज फिक्स्ड बाय द स्टेट, हर स्टेट में हर स्टेट के अकॉर्डिंग उसको फिक्स किया गया है। द मेंबरशिप ऑफ अ विलेज पंचायत इज बिटवीन टू 5 to 31, यानी सर मेंबर जो विलेज पंचायत जो ग्राम पंचायत है ना उसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, 5 to 31 के बीच में, हर स्टेट में अलग अलग होता है। ठीक है,
इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अब विलेज पंचायत है 5 to 9 members, और सब कुछ में तो ऐसे कि 5 to 9 लिमिट है, ठीक है। फिर कह रहे हैं आप जो भी लिमिट हो, 1/3 जो सीट है ना पंचायत की वो गवर्नमेंट के लिए रखेंगे, जितनी वो 5 से 30 हो ना 5 से 9 हो, 1/3 तो हम किसके लिए रखेंगे, गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखेंगे। सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर स्कैडल कास्ट, उनके लिए भी रखी जाएगी जिसका पोस्टेड टू देयर पॉपुलेशन विलेज है ना, और कितनी चाहिए वो नहीं बताइए, बस प्रोपोर्शनेटली बोल दी है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द प्लेस फेडरल फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज में मतलब क्या, जो एडल्ट होंगे वो ही केवल क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, ठीक है। मेंबर्स इलेक्ट नहीं, मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे ना वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्ट होंगे। एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्ट होने का मतलब है कि जो एडल्ट लोग जो वोटर होंगे वो लोग वोट देंगे ना, और जो इसके फेवर में सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वही हमारा मेंबर इलेक्ट होगा इस मेंबर का, ठीक है। बस ऑफिस बेयरर यानी ऑफिस को संभालने वाले बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर हैं। द सरपंच इज वाइस सरपंच आर ऑनरेरी मेंबर, ठीक है। ऑनरेरी मेंबर्स होते हैं, ऑनरेरी का मतलब क्या होता है, ऑनरेरी का मतलब होता है जो अपने सेवा भाव से काम करते हैं, केवल सेवा भाव से। सेवा भाव मतलब क्या, इन रिटर्न उनको किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती, यानी इनको सैलरी नहीं मिलती, इनको सैलरी नहीं मिलती। कोई अपनी तरफ से गिफ्ट देते तो बात अलग है, पर इनको फिर जो कोई सैलरी नहीं मिलती का एग्री, वो सैलरी का एग्रीमेंट नहीं होता कि मैं सरपंच यहाँ पे काम करूँगा 5 साल के लिए, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी पर मंथ, नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। लिखा हुआ है दे आर नॉट पेड, दे आर नॉट पेड अ सैलरी, उनको सैलरी पे नहीं कहते। अ पेड सेक्रेटरी टू द पंचायत, अ पेड सेक्रेटरी टू द पंचायत एंड द ट्रेजरर। तो वो कह रहा है जो पेड जो सैलरी जो पे किया जाए ना केवल एक सेक्रेटरी को पे किया जाता है, एक ट्रेजरर को, ठीक है। ट्रेजरर कौन होता है, ट्रेजरर वो इंसान होता है जो पैसों का हिसाब रखता है, जो पैसों का हिसाब रखता है, ठीक है। अगर आपने कोई वर्ड सुना फंड मैनेजर तो आप फंड मैनेजर लिख सकते हो ट्रेजरर को, ठीक है। सेक्रेटरी थोड़ी जो ऑफिशियल काम वगैरह संभालता है वो। इफ द पंचायत इज लार्ज, अगर पंचायत लार्ज है, वो 5 to 31 वाला पढ़ा था ना आपने, अगर वो लार्ज पंचायत है और अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू होता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, तब ये लोग, अगर पंचायत लार्ज है ना तभी ये सेक्रेटरी और ट्रेजरर अपॉइंट किए जाएंगे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ग्राम पंचायत के, अब देख रहे हो, एजुकेशन, एग्रीकल्चर है ना, ये टेक्निकल के भी क्या कहते हैं, व्हीकल्स के थ्रू नहीं, क्या कह सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे मैनुअली वर्क हो रहा है। हॉस्पिटलिटी, ठीक है, हॉस्पिटल, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पोर्ट्स है क्या कुछ, यहाँ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, क्लियर नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं जरा, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और पब्लिक वर्क, पब्लिक वेलफेयर फंक्शंस सारे किए जाते हैं, मतलब भाई पब्लिक का, पब्लिक के जितने पब्लिक के लिए जो भी जितने पब्लिक वर्क होते हैं, पब्लिक वेलफेयर वर्क होते हैं, वो सारे किए जाते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम, रोड का रिपेयर मेंटेनेंस का काम, कार्ट ट्रैक जहाँ पे बैलगाड़ी वगैरह चलती है वो रास्ते सही करना, ब्रिजेस, ड्रेन्स, टैंक्स, वेल्स, इन सब को सही कराना, ये सारे काम करते हैं। अपकीप ऑफ क्रिमेशन एंड ब्यूरियल ग्राउंड, जहाँ पर लोगों की डेड बॉडी जलाई जाती हैं या दफनाई जाती हैं, उन जगहों को अपकीप करना यानी मेंटेन रखना, साफ सफाई रखना, सैनिटेशन, हेल्थ, सेटिंग अप ऑफ हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज, दवाइयों की दुकान को बोलते हैं डिस्पेंसरीज, ठीक है। ये मीटिंग है लोगों की ग्राम पंचायत की, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन, अरेंजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, सीड्स, फर्टिलाइजर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी एक बर्थ एंड डेथ रजिस्टर मेंटेन करवाना गाँव में,
मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कॉमन दिस प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिससे इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती, सभी की है, सभी से बिलोंग करती है, उनकी सेल परचेज और लैंड ग्रांट, गवर्नमेंट से कितना ग्रांट मिला है, कितना नहीं, कितनी सेल की गई है प्रॉपर्टी, कितनी परचेज की गई है, सारी चीज़ों का हिसाब रखना, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर आता है। फिर आता है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन, फिर आता है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन, सोशल मतलब सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक मतलब आप पैसों से रिलेटेड फंक्शन है ना, दिस फंक्शन आर नॉट ऑब्लिगेटरी, सर ये काम करना कंपलसरी नहीं है, कैन बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, सर इस काम में पैसा खर्च होगा, अगर पैसा है तभी आपके पंचायत वगैरह करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आप उनको ये नहीं कह सकते नहीं आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट लाइबल, दे आर नॉट लाइबल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट हाउस, लाइब्रेरीज, मैरिज हॉल, सारे महंगे काम है, सारे एक्सपेंसिव काम है, ठीक है, फंड होगा तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर ब्लेज मेलाज, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ठीक है, सारे महंगे काम है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पार्क, गार्डन, प्ले ग्राउंड फॉर रिक्रिएशन, सारे महंगे काम है। इस्टेब्लिशिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप मतलब क्या, राशन की दुकानें, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ये आप नहीं जानते इसको छोड़ दो, इसकी उधार देने वाली इंस्टीट्यूशन, बैंक की तरह, बैंक नहीं बैंक की तरह, ठीक है। फिर तीसरा कह रहे हैं जुडिशल फंक्शन भी परफॉर्म कर, जुडिशल मतलब न्याय, जस्टिस दिलाना, जैसे न्याय पंचायत जो काम करती है, दीज आर डिस्कस्ड अंदर न्याय पंचायत, ये सारे फंक्शन जो है जुडिशल फंक्शन हम न्याय पंचायत के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। न्याय पंचायत ऑल्सो कॉल्ड पंचायती अदालत, ऑल्सो कॉल्ड पंचायती अदालत, पंचायती अदालत इज सेट अप फॉर एवरी 3 या 4 ग्राम पंचायत से, दिस पंचायत एग्जिस्ट ओनली इन सम स्टेट, सर ये बहुत मतलब हर हर स्टेट में नहीं होती, कुछ स्टेट्स में होती हैं, एंड परफॉर्म जुडिशियल फंक्शंस, और जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्याय पंचायत आर फॉलोइंग, इसके मेन फंक्शन, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो नीचे लिखे हुए हैं, दे एंश्योर क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू विलेजर्स, सर गाँव वालों को जल्दी एक तो जस्टिस दिलाना, दूसरा इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा कोई कॉस्ट नहीं पड़ता उन लोगों को, ठीक है। दे कैन इम्पोज अ फाइन अप टू ₹100 केवल, ठीक है। दे कैन नॉट अवॉर्ड अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सर गाँव वालों को जेल की सजा नहीं दे सकते, गाँव वालों का कोई जेल होता नहीं है, गाँव वालों के पास कोई जेल होते नहीं अपने, ठीक है, तब तो उसकी सजा भी नहीं दे सकते। लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू अपियर बिफोर दिस पंचायत, सर लॉयर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, गांव वाले को कुछ बोल रहे हैं तो वो अपनी बात खुद रखें, किसी लॉयर को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देर इज जनरली नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ न्याय पंचायत इफ द पावर्स आर एक्सेस विद इन देयर जुरिसडिक्शन, सर अगर इवन न्याय पंचायत ने सपोज करूँ यूपी का कोई गाँव है, ठीक है, यूपी का कोई गाँव है, गाँव का नहीं कोई बोलते हैं, मेरे कोई गाँव का नाम ध्यान है, वो ध्यान है कोई भी गांव ले लो, ठीक है, मान लो विलेज एक्स है, ठीक है, गांव एक्स है, ठीक है, गांव एक्स में एक पंचायत, गांव एक्स में एक न्याय पंचायत बैठी है किसी किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो सपोज करो डिस्प्यूट चल रहा है हम दोनों के बीच में, ठीक है, तो न्याय पंचायत ने जो डिसीजन लिया वो आपके फेवर में ले लिया, आपके फेवर में ले लिया, तो क्या मैं किसी और सुप्रीम अथॉरिटी पे जाके अपील कर सकता हूँ न्याय पंचायत के अगेंस्ट, द्वार से रिपील कर सकता हूँ क्या मैं? तो कह रहा है कि अगर आप, क्योंकि वो पंचायत यूपी की थी, वो न्याय पंचायत यूपी में बैठी थी, तो यूपी के अंदर तो आप कहीं और नहीं कर पाओगे अप्लाई, ठीक है, यूपी से अगर बाहर करना चाहते तो वहाँ कर सकते हो, बट आप उनकी जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं कर सकते कहीं और अप्लाई, उनकी जुरिसडिक्शन के अंदर न्याय पंचायत का ही डिसीजन सर्वोपरि रहेगा, नहीं सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। हाउएवर अंडर पंचायत एक्ट, पंचायतों का एक एक्ट भी है, सब बिजनेस मजिस्ट्रेट एंड सब जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर एम्पावर टू हियर अपील, हाँ लेकिन पंचायतों में कुछ एक्ट दिया हुआ है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स होते हैं या फिर जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो एक बार आपकी अपील सुन सकते हैं, ठीक है। नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत
एंड द पंच नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत एंड द पंचायत समिति ग्राम पंचायत और अदर लोकल सेम गवर्निंग बॉडी एट द सेम टाइम। वो कह रहा है अगर कोई इंसान ऑलरेडी ग्राम पंचायत का और किसी और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी का यानी ग्राम पंचायत का पंचायत समिति का हो या जिला परिषद का हो, ठीक है, इनमें ऑलरेडी मेंबर है तो वो एट द सेम टाइम न्याय पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। तो वो एट द सेम टाइम न्याय पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता, यानी दोनों जगह पर एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट जुडिशियल सर्विस डिसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस पंचायत। सर इन पंचायतों का जुरिसडिक्शन मैंने बोला यूपी, तो ये यूपी थोड़ी होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ये डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फ्रॉम द अबव अकाउंट इट कैन बी स्टेटेड दैट ग्राम सभा एक्स एज जनरल बॉडी, ग्राम सभा एक जनरल बॉडी की तरह काम करती है एज वेल एज लेजिस्लेचर की तरह भी। द पंचायत एज द एग्जीक्यूटिव एंड न्याय पंचायत एज जुडिशियल। पंचायत की बात की तो एग्जीक्यूटिव बॉडी की काम करती है, और न्याय पंचायत की बात की जाए तब वो एज ए जुडिशियल बॉडी गाँव वालों के लिए ग्रुप ऑफ गाँव वालों के लिए करती है, ठीक है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत हो गया, मुझे नहीं पता आपकी वीडियो हैंग होगी या नहीं होगी। ठीक पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल, सर ये दोनों के मैंने क्या बोला, दोनों के बीच की यूनिट है, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच की है ना, तो इसमें यहाँ पर बोलेगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यानी बीच का। दिस इंटरमीडिएट बॉडी एट द ब्लॉक लेवल इज नोन बाय डिफरेंट नेम, सर इसको अलग नामों से जाना जाता है, ये आपने पहले ही पढ़ रखा था है ना। सर वो कह रहे हैं कोई इसको पंचायत समिति बोलता है, कोई क्षेत्र समिति बोलता है, कोई जनपद बोलता है, कोई पंचायत बोल जनपद पंचायत बोलता है, कोई पंचायत यूनियन काउंसिल बोलता है, बहुत सारे नाम है। द कम्युनिटी ब्लॉक इज इन फैक्ट पंचायत ऑफ पंचायत। तो वो कह रही ये जो कम्युनिटी ब्लॉक जो बनाया हुआ है ना, जो पंचायत समिति बनाएगी, बेसिकली ये क्या है, पंचायतों का पंचायत है, ठीक है, यानी एक गाँव में पंचायत है, एक गाँव के अंदर पंचायत बन गई, ग्राम पंचायत से दूसरे गाँव में बन गई, फिर तीसरे गाँव में बन गई। अब इन गाँव वाली जो पंचायत है इनको भी मैनेज करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो इनके ऊपर एक और पंचायत बनाएगी, स्कूल आता पंचायत समिति, ठीक है। इन चार गांव के पंचायतों को हम संभालेंगे और हम कहेंगे पंचायत समिति, ठीक है। कंपोजिशन इट हैज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत, सर यहाँ पर पंचायत के लोग ही बैठे होते हैं एंड सम अदर्स एज इट्स मेंबर्स एज गो, और कुछ और मेंबर्स भी होते हैं जो नीचे बताए गए हैं, सरपंच ऑफ ऑल पंचायत कंसर्न, सर सरपंच होते हैं हर पंचायत के, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम द एरिया, सब उस एरिया में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं उस एरिया के, ब्लॉक डेवलपमेंट BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं उस एरिया के, कोऑपरेटिव मेंबर भी होते हैं। मतलब कोऑपरेटिव मेंबर क्या होते हैं, जैसे कुछ मेंबर्स होते हैं वूमेन, कुछ होते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, तो वो लोग नहीं आ पाते, उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता, उनकी जगह पर कोई और रिप्रेजेंट कर दे, तो वो होते हैं ऐसे लोग है ना। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सर रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, सपोज कोई, अब आप जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मान लो कंपनी की तरह है, तो कंपनी खुद चलकर तो आ नहीं सकती, बस करो एक कंपनी को आपने मेंबर बना लिया, रिलायंस कंपनी को आपने मेंबर बना लिया, कि रिलायंस कंपनी को चल के आएगी क्या, क्या कंपनी चलकर आ सकती नहीं, तो वो एक पर्सन अपॉइंट कर देगी, सपोज करो मुकेश अंबानी, तो वो चल कर आ पाएंगे ना, तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव वो कंपनी को अपॉइंट कर दे, ठीक है। द समिति अपॉइंट वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज टू अंडरटेक स्पेशलाइज वर्क, सर ये समिति काफी सारे लोगों को अपॉइंट करती है ताकि वो स्पेशलाइज वर्क करें, ये नहीं कि एक काम के हर काम एक इंसान को बहुत सारे काम पकड़ा देने, जो इंसान जिस काम में एक्सपर्ट है उसको भी काम पकड़ाया जाता है, ठीक है।
ऑफिस बेयरर्स, यहाँ पे कौन कौन से ऑफिशियल्स होते हैं बेसिकली। एक चेयरपर्सन होता है जो कि उन लोगों में सेलेक्ट किया जाता है, एक डिप्यूटी चेयरपर्सन होता है जो कि अपने मेंबर में सेलेक्ट किया जाता है, एक सेक्रेटरी होता ही होता है जो कि सैलरीड एम्प्लॉय होता है, जो कि सैलरीड एम्प्लॉय होता है, जिसको स्टेट अथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अपॉइंट करते हैं। फंक्शंस, सुपरवाइज करना, कोऑर्डिनेट करना ग्राम पंचायत के वर्किंग को, तो कंडक्ट हायर एजुकेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड और एट अ ब्लॉक लेवल, तो सारे गाँव में एक अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विसेज विद वेरियस फैसिलिटीज एट कम्युनिटी ब्लॉक लेवल। टू पे स्पेशल अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू अंडरटेकिंग माइनर इरीगेशन स्कीम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। टू अप्रूव बिल्डिंग प्लान, अगर कोई कुछ बनवाना चाह रहा है तो आपको ना गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उनको अप्रूव कराना, उनको अप्रूव करना, अंडरटेक अदर डेवलपमेंट वर्क, और अदर डेवलपमेंट वर्क को क्या करें वो करें, इंक्लूडिंग जैसे रोड के काम हो, ब्रिजेस के काम हो, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्जीक्यूट अदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला पंचायत। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका ब्लॉक समिति पर, है ना, पंचायत समिति। अब आते हैं जिला परिषद पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालती है। एट द एपेक्स सबसे ऊपर, एट द एपेक्स ऑफ थ्री टीयर पंचायत, सबसे पहले ना इन तीन थ्री टीयर सिस्टम है, सबसे ऊपर जो है वो है जिला परिषद, वो है जिला परिषद। इट इज़ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इट की ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। है ना, फिर क्या लिखा है, पंचायत समिति फॉर्म्स अ लिंक, वो ऊपर ही पढ़ चुके हैं। पंचायत समिति होती है वो क्या करती है, एज अ लिंक काम करती है बिटवीन जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। जिला परिषद इज ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जिला परिषद को भी जिला परिषद को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, लाइक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल परिषद, जिला परिषद, महकुमा परिषद, ठीक है, सारे नाम आपको याद रखने हैं। कंपोजिशन, सर यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या पोस्ट होती हैं, तो वो कहता है मेम्बर से वेरी फ्रॉम 40 to 60 एंड यूजली कंप्राइजेस, यहाँ पे मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली 40 से 60 के बीच में लोग होते हैं। इसके अंदर मेल डिप्टी कमिश्नर ऑफ, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पंचायत समितिज इन द डिस्ट्रिक्ट, हेड्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और आपके आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कोऑपरेटिव सोसाइटी, सम वुमेन एंड स्केड्यूल कास्ट मेंबर्स इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, एंड कोऑपरेटिव मेंबर्स हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स इन पब्लिक सर्विस, है ना सर। लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस की बात कर दीजिए, बात बताओ सर, जैसे कि अमिताभ बच्चन भी पार्लियामेंट के वो हैं, क्या कहते हैं, मेंबर हैं, क्या आपको लगता है कि वो हिस्ट्री सिविक्स वाले फील्ड के लोग हैं? देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हम देखते हैं वो एक अलग ही सेगमेंट के लोग हैं बॉलीवुड के, तो बॉलीवुड के लाइक कोई रिफॉर्म लानी होगी तब उसमें अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर वो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सब वो क्या जानते हैं हिस्ट्री वगैरह के बारे में, वो उन्हें क्या मतलब, लेकिन अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड अगर कोई रिफॉर्म लाना होगा तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ना, तो इस तरह के लोग भी होते हैं। ठीक है, ऑफिस बेयरर्स
पोजिशन पोस्ट की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर चेयरमैन होते हैं, प्रेसाइड्स ओवर दी मीटिंग्स एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग्स, सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह ही कंडक्ट करते हैं। ये इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स के थ्रू ही। फिर आता है डिप्यूटी चेयरपर्सन, ये भी मेंबर्स ही सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है सेक्रेटरी, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ये पेड होता है। फंक्शंस, द जिला परिषद एज सीन फ्रॉम इट्स कंपोजिशन इज लाइक अ रेगुलर ऑफिशियल बॉडी। जिला परिषद जो कि अगर आप ऊपर से कंपोजिशन देखो तो ऐसा लगता है कि सर रेगुलर ऑफिशियल बॉडी है रेदर देन अ पॉपुलर वन, यानी ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं लगती। हाँ लेकिन रेगुलर तो लगी रही है, सिर्फ पॉपुलर नहीं रेगुलर काम करने वाली बॉडी लगती है। इट्स फंक्शन मोस्टली थ्रू वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज, वो करे ये जो काम करती है बेस मेनली अपने स्टैंडिंग कमिटीज के थ्रू करती है। देर आर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हु कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ सर्कल पंचायत। सर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं जो सर्कल पंचायत के फंक्शनों को कोऑर्डिनेट कराते हैं। एंड फंक्शंस वेरी में फंक्शंस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वो करें स्टेट टू स्टेट इनके फंक्शन थोड़े डिफर भी करते हैं। दिस फंक्शन जनरली पर्टेन टू द फॉलोइंग, सर ये फंक्शन होते कौन से हैं? तो वो कह रहे हैं फंक्शंस लाइक ओवरसीइंग ऑल अराउंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ एन ऑफ एन ऑफ एन ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सपीरियंस फंक्शनरी लाइक द डिप्टी कमिश्नर। सब पूरे एरिया में ओवरसी करना, ओवरसी मतलब कि ओवरलुक करना, थोड़ा ध्यान रखना कि डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा, और वो किसके एरिया में आ रहा है। अगर वो किसी डिप्टी कमिश्नर के अंडर में आ रहा है तो चेक करो कि वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द स्टैंडिंग कमिटीज हैव ईच अ चेयरपर्सन, कमिटीज हैव ईच अ चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन होल्ड्स डिस्कशन एंड टेक डिसीजन। मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। मेंबर्स भी जो होते हैं शुरू के उसको भी कमेटी में इंक्लूड किया जाता है स्टैंडिंग कमेटी में। इन प्रैक्टिस द वर्किंग कमेटी फंक्शन एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो वर्किंग कमेटी होती है वो एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करती है। द सुपरविजन ऑफ वर्किंग ऑफ पंचायत इज कैरियड आउट, सर पंचायतों का सुपरविजन करो। इन सम स्टेट्स लाइक इन आसाम बिहार एंड पंजाब स्क्रूटनी ऑफ बजट एस्टिमेट्स ऑफ पंचायत समिति, सर इन लोगों को पैसे जो गवर्नमेंट देती है जैसे चेकिंग भी करो पैसों को सही तरह से यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लिया कुछ बोल कर यूज़ कहीं और कर रहे हैं। इट कोऑपरेट्स विद एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ पंचायत समिति, पंचायतों के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं कोऑपरेट भी करते हैं ताकि कुछ अंडरटेकिंग मतलब कुछ काम कर सकें लाइक डेवलपमेंट वर्क वगैरह कर सकें, स्पेशली माइनर इरीगेशन वर्क, वोकेशनल इंडस्ट्रियल स्कूल्स, विलेज इंडस्ट्रीज, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, इन चीज़ों पर। इट एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द ग्राम पंचायत, तो स्टेट गवर्नमेंट को वाकई में नहीं पता तो ये लोग उनके वो बताते हैं गाँव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके रिगार्डिंग एडवाइस देते हैं। एंड पंचायत समिति अंदर देर ओन जो देखता है और जो पंचायत होती है वो भी बताती है, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ अभी टेबल बाद में पढ़ेंगे है ना, डिफरेंस बाद में पढ़ लेंगे इनमें। अचीवमेंट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, गांधी जी ड्रीम ऑफ एवरी बेस बींग इन दी पब्लिक हैज बीन ट्रांसलेटेड टू रियलिटी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सीटी या पंचायती राज सिस्टम। गांधी जी का सपना था कि हर गांव एक इंडिपेंडेंट अपना वो रखे इमेज है ना, तो वो इस सिस्टम के थ्रू पंचायती सिस्टम के थ्रू वो रियलिटी में चेंज हो गया। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिव्स ट्रेनिंग टू द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर स्कीम्स स्वराज स्वर्ण स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो वो कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, बैटरी लो 2 सेकेंड। ताकि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम
चार दिन लगाते हैं हिंगुल लगा के। अच्छा कराने आ रहा हूँ, अगर ये रिकॉर्डिंग हैंग होने लगी ना सीरियसली प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। क्या हुआ, 4 दिन लगा तो दिया मैंने। अभी हैंग हो रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, ठीक है।